तो हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस पे। मैं शरण कुमार आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे फ्रेंड, जैसा कि आप सभी से बोला था कि जब भी आपकी आंसर की आएगी, सबसे पहले सबसे सटीक ऑफिशियल आंसर की आप सभी के समक्ष संध्या कंप्यूटर के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। तो मेरे फ्रेंड्स, आज दिनांक 4/10/2021 को VMU यानी कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, जो कि आपके आरी शेट्टी का एग्ज़ाम हेड करवाती हैं, आपका एग्ज़ाम हुआ था 3 अक्टूबर 2021 को। मेरे फ्रेंड्स आ गई है उसकी ऑफिशियल आंसर की। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बढ़िया बात बताने वाला हूँ, ये है आप सभी की स्टूडेंट की जो है चेहरे पे एक बहुत ही अच्छी स्माइल होगी, क्योंकि इस बार जो आपको मिलने वाले हैं 4 अंक हैं जो बोनस मिलने वाले हैं। मेरे फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन हैं जो आरी शेट्टी खुद सकरा गई इस बार, क्योंकि उसने खुद ने ही क्या कर दिए, उसके उत्तर गलत दे दिए। क्या दे दिए मेरे फ्रेंड्स? उत्तर गलत दे दिए। यानी कि इस बार मिलेंगे कितने आपको, चार जो हैं अंक आपको बोनस मिलेंगे। तो एक बार तो आप रिव्यू कर दीजिएगा इस आंसर की को, उसके बाद में मैं विथ प्रूफ आपको बताऊंगा कि कहां पे आपकी हैं जो इस बार आरी शेट्टी ने नागिन डांस किया है, ये इस वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा 1 से लगा के 10 तक एक बार मैं स्लाइड को देख लेता हूं। देखिएगा आपकी बुकलेट A B C D ये आपको देखने को मिल रही है। इसमें है जो ए जो बुकलेट है उसके पहले का ए राइट माना है, बी का बी माना है, सी का डी माना है और डी सीरीज का डी माना है। तो ऐसे ही आप देख लेना, ये तो मेरे फ्रेंड्स इतने समझदार तो आप हो कि इसको आराम से देख सकते हो। यानी कि 1 से 10 तक एक बार रिव्यू कर दीजिएगा, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद मैं जो है स्लाइड को ऊपर कर देता हूँ मेरे फ्रेंड, जल्दी से जल्दी। उसके बाद में है जो 11 से लगा के 20 तक है ना, इसमें से देख लीजिएगा 11 से लगा के 20 तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको गारंटी देता हूँ बहुत ही अच्छी सीरीज है, जो आपके 2 क्वेश्चन यानी कि जिसके 96 बन रहे हैं वो उसके बनेंगे 100 है ना, जिसके 96 बन रहे थे उसके अब बनेंगे 100, वो सभी देखना मत भूलिएगा, मैं आपको विद प्रूफ के साथ बताऊंगा मेरे फ्रेंड्स। तो देखिएगा ये मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। अब उसके बाद में आप देखिएगा 21 से लगा के 35 तक, कहाँ से कहाँ तक, 21 से 35 तक। 35वें क्वेश्चन में ए सीरीज वालों का सी सही है, बी सीरीज वालों का डी सही है, सी सीरीज वालों का बी और डी सीरीज वालों का ए। तो मेरे फ्रेंड्स ये तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट सभी ने। अब देखिएगा मेरे पास में जो है पेपर अभी ए सीरीज वालों का है, मेरे पास में जो पेपर है ए सीरीज वालों का है। मेरे फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ के बताऊँगा ताकि आप लोग मिलान कर देना कि आपका जो है आपके पास में जो सीरीज है उसमें ये क्वेश्चन कौन सा है। मेरे फ्रेंड्स ए सीरीज वालों का जो 13वां क्वेश्चन है, कौन सा 13वां क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा इसने उत्तर क्या राइट माना है, बी माना है। एक बार इसको देख लिया, इसने क्या माना है, बी माना है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ, इसने क्या पूछा है कि EPDS के संदर्भ में BPL का पूरा नाम पूछा है। क्या पूछा है मेरे फ्रेंड्स? EPDS के संदर्भ में BPL का पूरा नाम पूछा है। और BPL का आप सभी को पता है क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन होता है। क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ए पे है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना था वो मेरे फ्रेंड्स क्या था, ए ऑप्शन राइट होना था, जबकि VMU ने किसको माना है, बी ऑप्शन को माना है। तो 2 अंक तो आपको यहाँ से बोनस मिलेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ विथ प्रूफ के साथ में कि ये जो क्वेश्चन है आपको अपनी आरी शेट्टी बुक के अंदर पेज नंबर 100 टॉपिक नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिएगा, आपको हूबहू ये देखने को मिल जाएगा। तो मेरे फ्रेंड्स ये जो 2 नंबर तो आपको यहाँ से बोनस मिले। अब एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको बता देता हूँ, ए सीरीज वालों के जो क्वेश्चन है ये 25वां क्वेश्चन था। कौन सा था? 25वां क्वेश्चन था। एक बार देख लीजिएगा, ये आपका रहा 25वां। इसने मेरे फ्रेंड्स किसको माना है, डी को माना है। इसने किसको माना है, डी को माना है। अब मैं आपको है जो क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ कि एक सूत्र यानी फॉर्मूला बनाने के लिए निम्न में से आप किसका उपयोग कर सकते हैं, और डी ऑप्शन पे यहाँ पे जो आपके लिखा हुआ था उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या माना है मेरे फ्रेंड्स? इसने जो राइट आंसर माना है उपरोक्त में से कोई नहीं, जबकि वास्तविकता में जो इसका उत्तर होना था
वो ऑप्शन नंबर सी होना था। क्या होना था? ऑप्शन नंबर सी होना था, यानी कि जो 25वें क्वेश्चन में है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होना था इस 25वें क्वेश्चन में। और जो सी ऑप्शन आपका क्या है कि सेल वैल्यू और सेल संदर्भ में, और ये इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होता है। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, आपको विद प्रूफ बता देता हूँ, आपके आर एस सी की पेज नंबर 211 क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 211 क्वेश्चन नंबर 10 पे आप देख सकते हो। और विस्तृत में और बताऊँ तो एक्सेल का क्वेश्चन है, एक्सेल आपका टॉपिक 12वां है। तो मेरे फ्रेंड्स ये हैं, इस बार आपको मिलेंगे 4 अंक बोनस, यानी कि जिन विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन गलत थे ये दोनों, उनको क्या मिलेंगे, अगर उनके 96 बन रहे हैं तो उसके इस बार क्या बनेंगे, आउट ऑफ 100 बनने वाले हैं। मेरे फ्रेंड्स ये देखिए, लिख लीजिएगा, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के जो एग्जामिनर था उसके साइन है, और आपकी आज ही के दिन है जो ये आंसर की जारी हुई है। मेरे फ्रेंड्स एक बार हल्के से स्क्रॉल कर देता हूँ, आप सभी ने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो जल्दी से ले लीजिएगा, ये एक बार वापस कर रहा हूँ स्क्रॉल, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब मेरे फ्रेंड्स आज की खुशखबरी सुनिएगा कि जैसा कि आप विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर जो है हमें जो पटवार हैं, ग्राम सेवक हैं और पुलिस कॉन्स्टेबल, इन तीन एग्ज़ाम के लिए क्या करना है, कंप्यूटर विषय में मजबूत दार लानी है। तो मेरे फ्रेंड्स आपको इस बार है जो पटवार, ग्राम सेवक, कॉन्स्टेबल में कंप्यूटर विषय में एकदम तरीके से, यानी कि आपको 30 में से आउट ऑफ 30 नंबर दिलाने के लिए संध्या कंप्यूटर आज से आप सभी के लिए लाइव क्लासेस लेके आएगा। जो आपका पुराना टाइम था वही टाइम रहेगा। मेरे फ्रेंड जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं एक बार उस क्लास को अवश्य देखिएगा, आपको सेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा मेरे फ्रेंड्स, मैं उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाई है मैंने पीडीएफ। आप एक बार उस क्लास को रिव्यू अवश्य कीजिएगा। और जिन स्टूडेंट का जो है आर ई सी टी में एडमिशन मार्च बैच के बाद में था और जून तक, वो ध्यान से सुन ले कि उनका जो एग्ज़ाम है नवंबर के एंडिंग में होने वाला है, नोटिफिकेशन मिल गई हैं, इसीलिए आप सभी लोग इस चैनल के साथ में जुड़े रहें, अभी से अपनी तैयारी को मजबूत दार दीजिएगा। तो मेरे फ्रेंड्स उम्मीद है आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करें। मेरे फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे रात वाले उस वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।